हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल अर्थ क्या है और कैसे वर्क करता है और गूगल अर्थ को किसने बनाया था। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल अर्थ जो है गूगल की बहुत ही जो है पॉपुलर सर्विस है। गूगल अर्थ के माध्यम से आप पूरी दुनिया में, आप चाहे किसी भी जगह पर रहते हो, आप अगर चाहें तो कोई भी जगह आप इस पर जो है 3D इमेज में देख सकते हैं। आपको बस करना क्या है कि आपको उसको सिर्फ सर्च करना है और गूगल अर्थ आपको उसको 3D इमेज में जो है शो करेगा। तो आपको जैसे मान लीजिए आप दुनिया के किसी भी जगह रहते हो, तो आपको अगर यहाँ पर जैसे ताजमहल को देखना है तो आपको क्या करना है कि आपको सीधा सर्च बार पर टाइप करना है ताजमहल। इसके बाद क्या होगा कि आपको जो है ताजमहल की इमेज और जो लोकेशन है आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद आपको आप जो है इसे 3D में जो है वॉच कर सकते हैं। इसके बाद जो ताजमहल की जो लोकेशन है वो आपको जो है 3D में जो है शो करेगा। इसके बाद अगर आपको ताजमहल की अगर पिक्चर्स देखनी है तो आप यहाँ पर इसको जो है वॉच कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको अगर इस पर ताजमहल की जो लोकेशन है आपको 3D में जो है शो करेगा। अब आपको अगर किसी जगह पर अगर जाना है ताजमहल से, तो आप यहाँ पर जो है इसके जो रूट हैं उनको भी जो है देख सकते हैं। इसके बाद आपको अगर कहीं पर अगर दूरी को नापना है कि यह कितना दूर है, तो आप इससे जो है मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है रिवर, जैसे यहाँ पर यमुना जो नदी है, यहाँ से अगर आप चाहें तो आप यहाँ से माप सकते हैं कि ग्रेट गेट कहाँ पर है और कितने दूर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो ये 551 मीटर इसकी जो है रिवर यमुना नदी है, वहाँ से इसकी जो है दूरी है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर इसमें कोई स्थान या रूट को अगर देखना चाहते हैं तो आप आसानी से जो है ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सैटेलाइट इमेजिनरी और एरियल फोटोग्राफी तथा ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम 3D जो मंडल से जो है इमेज को जो है पॉइंट करता है और उसके बाद जो पिक्चर जो शो करता है उसे हमें 3D में दिखाता है। अब मैं आपको बता दूं कि गूगल अर्थ जो है किसने बनाया था। गूगल अर्थ को जो बनाने वाले थे वो थे की होल नामक एक जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। और गूगल कंपनी ने इसे 2004 में जो है एक्सेप्ट किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।